क्रेडिट सारा ड्राइवर को। तो साविज भाई ने अपने मनपसंद गाना चला दिया। नहीं ये कौन सा सजन मेरे सतरंग है। इस गेम में वित्तीय जोखिम शामिल है, इसकी आदत लग सकती है। आदत लग सकती है। क्या कह रहे गुलाम भाई? ये वाले जो पहली है यहाँ पे कभी भी खाने खाने मत आना। फैन का जो लग रहा था ना हमें, वो फैन की प्रॉब्लम है नहीं, वो सेंसर पे वर्क करता है और जब गाड़ी हीट होगी ना वो ऑटोमेटिक ऑन हो जाता है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो जैसे कि हमने पहले वाले व्लॉग में देखा था आप लोगों ने कि जो हमारी न्यू गाड़ी थी उसमें थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम आ रही है, कुछ हीट कर रही है गाड़ी। तो अभी गाड़ी भी रेडी है और अंदर कौन कौन है वो भी दिखाता हूँ और मैं भी रेडी हूँ। तो बैठते हैं पहले गाड़ी में, उसके बाद बातें करते हैं। तो गाड़ी में है 5 जने, साकिब भाई, गुलाम भाई, हरीफ भाई, साबित भाई और मैं। तो हम जाएंगे पहले जाएंगे ज्वालापुर, फिर उसके बाद रुड़की। गाड़ी में जो भी कवर वगैरह भी लगने हैं और कुछ गाड़ी हीट कर रही है तो उसको भी दिखानी है। नई नई गाड़ी है तो इस वजह से थोड़ा सा दिखाना सही है पहले। तो भाई इधर ठेली और इधर हमारी गाड़ी। तो गाड़ी थोड़ी लॉन्ग बॉय था भाई, कल मैं इनके रूम में गया तो पूरे दिन ये चला गया। 7 बजे इसके तो अभी एक खाएंगे फैन इसके, तो सुबह भी इसी से हो अतुल्ला से और शाम भी इसी से हो। बहुत अच्छा सिंगर है बाकी वॉइस। कवर भी लगाने हैं तो गाड़ी में कुछ अपग्रेड कराना चाहते हैं हम, जैसे कि इसके कवर लगे हैं सीट के और इसमें बूफर भी लगे हैं बेस और बाकी जो बहुत सारी चीजें हैं। आगे देखते रहिए, बहुत मजा आएगा। तो सेफ्टी फर्स्ट, यहाँ पे सीट बेल्ट भी लगा ली है। सेफ्टी फर्स्ट चलाने के टाइम याद आती है। जब देख रहे हैं ना सामने मामू, आगे मिलेंगे मामू, जब देखते हैं ना मामू आने वाले तो पहले ही ऑटोमेटिक याद आ जाता है भाई सीट बेल्ट। और भैया मार्च चल रहा है, चेकिंग बहुत हार्ड है, हार्ड है। ये अच्छा फीचर है। तो हमारी न्यू गाड़ी 180 किलोमीटर तक चल चुकी है और इसमें अभी पेट्रोल कितना बचा है 150 मीटर और चल सकती है। अब तक के डलवाया नहीं हमने पेट्रोल, इसमें 2000 का डलवा दिया था, 2000 का डलवाया था, उस दिन के बाद नहीं डलवाया, तब से चली जा रही है 100। तो ये हमारे बड़े भाई गुस्सा हो रहे हैं हमसे, हमने कल केक काटा था 1000 की खुशी में, तो भाई को बताया नहीं बिल्कुल भी हमने, तो भाई इसलिए गुस्सा हो रहे हैं। हम भी यार बताना जो चाहिए था ना, हम भी चलते भाई सेलिब्रेट करते बिल्कुल। ये सब ताशिद भाई की उसको सरप्राइज मिल रहा भाई जी। मैं सोच रहा था अलग करेंगे घर पे। गुलाम बोल रहा है कि जो मैंने 15-20 सब्सक्राइबर करवा रखे हैं ना वो सारे के सारे अनसब्सक्राइब कर। हेलो भाई, तभी अभी गुस्सा और थे गुलाम भाई, गुलाम भाई भी हाँ कश्मीर तक तो हो ही जाएंगे हमारे है ना, कश्मीर से आने के बाद 10,000 से प्लस होने चाहिए। ये सब आपकी वजह से हुआ, आज जो साकिब भाई हमसे गुस्सा है ना और गुलाम भाई अचानक से प्लान बनाया। तो भाई बड़े भाई है मेरे भाई, उनसे पूछना चाहिए था मैं। ये देखो कितना पुराना गाना, गंडियन शोर माइक होते थे पहले। रिला की छोड़ो ये भाई, ये देखो 1949 का गाना है भाई, ये देख लो क्योंकि हमारे बाप दादा भी जीते हैं। तो गाइस बहुत मजा आ रहा है और देखो नींद आने लग गई, ऐसा गाना चला दिया। फर्स्ट राइड विद भाई भाई लोग, मजा आ गया। न्यू गाड़ी एकदम लग्जरी लाइफ दिख रही है। तो भाई ट्रैफिक देखो कितना ज़्यादा हो गया, यहाँ से हाईवे स्टार्ट हो जाता है ना इस वजह से यहाँ ट्रैफिक ज़्यादा होता है। ये देखो तो कितनी गर्मी आ गई एकदम से, वाइस पहुँच चुके हैं, खुल जाए यार। जो भी भैया दिखा रहे हैं इनको सारी जो भी इसमें बता रहे हैं क्या क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। तो भाई हमारी रेनॉल्ट स्वीट वहाँ पे खड़ी है धूप में और हम यहाँ छाँव में, असागी भाई अंदर जा रखे उधर कुछ सामान वामान लेने था है ना। तो ये रहा पेस, ये लगेगा इसमें पीछे की साइड, ये पूरा
ये साउंड है ना पूरा, आएगा मजा बैठने में गड्डी में। ये इसके चार्जर पॉइंट है, फोन वगैरह चार्ज कर लो चाहे तो आप हैं लैपटॉप। और ये इसके कवर है। तो भाई अंदर पूरा ज्वालामुखी फट चुका है अंदर। ओ भाई साहब कसम से आ इतनी गर्मी। तो वहाँ पे तो हमने इसके कवर वगैरह और इसके जो बेस वगैरह वो चेक किया था, तो वो हमें ज़्यादा पसंद नहीं आए, तो इस वजह से हमने इसको 2 या 3 दिन में आ जाएगा, उसके बाद उनको लगवाएंगे। इसके बाद हम जा रहे हैं अभी रुड़की, और रुड़की में हम दिखाने वाले हैं इसकी जो ये गाड़ी हीट हो रही है ज़्यादा, तो बस उसी को दिखाएंगे। और थोड़ा सा और भी प्लान होगा तो वो भी देखते रहना। इंजन का फैन काम नहीं कर रहा है, मुझे लग रहा है कि फैन का जो सेंसर पे वर्क कर रहा है ना, वो सेंसर पे वर्क करता है, वो सेंसर मुझे लग रहा है कुछ प्रॉब्लम हो रही है सेंसर में। तो गाइस ये देखो, हम यहाँ पे तो बहुत भीड़ में फंस चुके हैं। देखो पीछे की साइड गाड़ियां ही गाड़ियां हमारे। हाँ, सुकून सा मिला एक बिल्कुल, इतनी ज्यादा टोल टैक्स के चक्कर से भीड़ हो गई थी बहुत। तो शोरूम आ चुके हैं, अब करते हैं अंदर। नहीं हो वहाँ से भाई। सलाम अलैकुम। और भाई क्या दिक्कत आ रही है? पहले भी देखा होगा शायद व्लॉग में आप लोगों ने भैया को। भैया आज तो कुछ गड़बड़ है गाड़ी में, कुछ गड़बड़ लगती है। तब हमारी गाड़ी जा रही है अंदर सर्विस रूम में, और अंदर जाके देखते हैं इसमें आखिर प्रॉब्लम क्या है ना। भाई कितना बड़ा गैराज है इनका, देखो। तो भैया भैया हमारी गाड़ी को चेक कर रहे हैं। भैया आपको भी कुछ डाउट लग रहा है इसमें? भैया को तो कुछ डाउट नहीं लग रहा इसमें, बाकी इसमें पता लगेगा जी। अच्छा, और ये भैया का कंप्यूटर, इसमें पता चल जाएगा। फैन का जो लग रहा था ना हमें, वो फैन की प्रॉब्लम है नहीं, वो सेंसर पे वर्क करता है, और जब गाड़ी हीट होगी ना वो ऑटोमेटिक ऑन हो जाता है। अभी हमने चेक किया तो वो ऑन था, तो हम वहाँ पे चेक कर रहे थे कि शायद फैन वर्क नहीं कर रहा, इस वजह से हीट हो रही हो। लेकिन अभी लेके आए तो अभी ज़्यादा हीट भी नहीं लग रही थी, तो शुरू शुरू में लग रही थी हमें। तो सब चीज़ ओके है ना? बिल्कुल हाँ, ठीक निकला सब कुछ ओके। बस हमें लग रहा था अभी ऐसा ना, हमें वहम हो रहा था बिरयानी खाओगे। अब हम जा रहे हैं कलियर शरीफ, यहाँ से देखो अली बिरयानी खाएंगे। और डॉक्टर उमा मैं ये जानना चाह रहा था कि ऐसी वो कौन कौन सी बातें हैं जो ऑटो इम्यून के इलाज में ध्यान रखनी चाहिए। पांच पांच प्लेट हलीम बिरयानी। तो अभी भैया लगा रहे हैं, क्या कह रहे गुलाम भाई? ये वाले जो डेली है यहाँ पे कभी भी खाने खाने मत आना, और हम तो जा रहे हैं दूसरे होटल में, मजबूरी में हमें खाने पड़े, तो मजबूरी में हमें खाने पड़ा तो तुम मत। इस गेम में वित्तीय जोखिम शामिल है, इसकी आदत लग सकती है। आदत लग सकती है। ऐसे तो जा रहे हैं वापस। बहुत मजा आया हलवा पराठा खाने में। बहुत मजा। साबिज भाई ने अपने मनपसंद गाना चला दिया, देख लो ये कौन सा है। सजन मेरे सतरंग की एक्टिवा की करवाई थी आते हुए। पेट्रोल डलवा रहे हैं। 3000 में हो जाएगी Thank you.
गाइस हम पहुंचने वाले हैं बस घर पे, और आज जितने भी हमारे काम थे वो सब हो चुके हैं और मजा भी बहुत आया हमें। अपने घर आ चुके हैं हम, ये रहा हमारे दोस्तों, सेफ जर्नी है। सेफ जर्नी, क्रेडिट सारा ड्राइवर को। मेरे पास से आया भाई आज तो। बस तो मुन्नी का मूड ठीक लग रहा आज, पता चल गया ये अच्छी ज्यादा इधर हो गई ना। ये देखो कवर लगा के कितनी मस्त लग रही है गाड़ी एकदम है। बढ़िया रहा। तो गाइस आ चुके हैं वापस घर और बहुत अच्छा लगा आज का सफर हमारा। 12 बजे हम निकले थे घर से और टाइम हो चुका है 5 बजने वाले हैं, 10 मिनट रह गई। तो भाई काफ़ी लंबा टूर हो चुका है और आज का फर्स्ट एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा हमारा, और काफ़ी ब्लॉग भी बहुत लंबा हो चुका है। तो ब्लॉग को करते हैं हम यहीं पर एंड, और इसके बाद का हमारा कुछ ऐसा काम है जो आप लोगों को हम नहीं दिखा सकते। मैंने आपको बताया था कि मैं कुछ राज अभी राज ही रहने देता हूँ, क्योंकि हम चाहते हैं कि जब हमारी वीडियो लोगों तक, ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगी, उसके बाद हम दिखाएंगे कि हम क्या छुपाते थे। ठीक है, आई होप आपको ब्लॉग पसंद आया। पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर आने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। गुलाम भाई कुछ बोल रहा है यार? बस ठीक है, बढ़िया रहा सफर और एकदम एक नंबर।